हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। शिव ठाकरे, आज सलमान खान ने वीकेंड का वार में ना शिव की जमकर क्लास ली है। जमकर बरसे हैं सलमान शिव ठाकरे पर। यकीन मानिए, शिव को आज किसी के सामने अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं समझा सलमान ने, क्योंकि शिव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई जो सलमान खान है वो उनको सबके सामने यू एक्सपोज कर देंगे। क्योंकि जो शिव ठाकरे हैं वो अर्चना गौतम के साथ हुई लड़ाई से पहले भी इस बात का जिक्र पूरे घर वालों के सामने, आप कह सकते हैं कि अपने ग्रुप में कर चुके हैं कि जो अर्चना है वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव है अपनी पार्टी और दीदी के नाम को लेकर। अगर आपको कभी भी उसको कुछ भी कहना हो तो आप बस ये कह देना, वो तुरंत के तुरंत अपना आपा खो देगी। और ये भी वो कह चुके हैं कि जो बिग बॉस है वो 2-3 वार्निंग देते हैं और उसके बाद शो से बाहर फेंक देते हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है शिव की ये पुरानी बातों को सुनकर कि कहीं ना कहीं वो अर्चना को लेकर ये दिमाग में बिठा चुके थे कि अगर अर्चना को बार 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 गुस्सा दिलाया जाएगा, ट्रिगर किया जाएगा, तो वो जरूर उस एक्शन पर रिएक्ट जरूर करेंगी। और हुआ ऐसा ही, जब शिव ठाकरे ने ये तमाम चीजें की तो अर्चना का उस पर रिएक्शन गया कि उसने उसका गला पकड़ लिया। और अब ये बात सलमान खान ने आज कर ली है और वही अर्चना को घर में वापसी मिल गई है। वही शिव का जो रियल फेस है वो सबके सामने एक्सपोज हो गया है। लेकिन इस बीच ना अब अगला कदम शिव का क्या होगा, क्योंकि शिव बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। अर्चना घर में आ चुकी है और यहां तक कि शिव ने सलमान के इस फैसले के बाद घर में से किसी से भी कोई बात नहीं की है। वो चुपचाप एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो एमसी स्टैन को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, मैं किससे क्या बात करूं, मुझे क्या बात करनी चाहिए, मुझे क्या बात नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं समझ गया कि सलमान सर ने कहा है कि बाहर वाले मुद्दों को घर में नहीं उठाना, लेकिन मैं ये चमचा और पोपट तो बोल सकता हूं ना। अब ये सवाल उठता है कि अब जब अर्चना की फिर से वापसी हो गई है तो अब अगला स्टेप शिव की तरफ से क्या होगा। क्या इन दोनों में सुलह हो जाएगी या फिर ये दोनों घर के अंदर जानी दुश्मन बनकर रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है।